नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैथ में हमने भिन्न वाला टॉपिक लेके चले थे बच्चों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भिन्न कितनी क्या होती है और भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो उसमें मैंने आपको तीन प्रकार की भिन्न बताई थी बच्चों, एक साधारण भिन्न, दूसरा आपको दशमलव भिन्न और तीसरा बच्चों बताया था वितत भिन्न। तो बच्चों इनके बारे में पूरी हमने जानकारी दे दी है, अगर आपने किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आज की जो वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, आज जो टॉपिक कराने जा रहे हैं उसकी जानकारी तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे जब इससे पहले की वीडियो आप उसे देख लेंगे। तो बच्चों आज हम आपके पहला टॉपिक लेके चलेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से संबंधित जितने भी साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है और साधारण भिन्न को हम किस तरह से ये पता कर सकते हैं कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी भिन्न है, किसको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बदल सकते हैं, बच्चों इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो बच्चों इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। तो आइए बच्चों जानते हैं साधारण भिन्न के बारे में कि साधारण भिन्न क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों जानते हैं साधारण भिन्न के बारे में। तो बच्चों देखेंगे हम साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, बच्चों क्या बोला जाता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के बारे में बच्चों जानेंगे हम, इसको इंग्लिश में बच्चों देखा बोला जाता है सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। तो साधारण भिन्न के बारे में बच्चों अगर हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि साधारण भिन्न जो होती हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर बच्चों एक बताया था आपकी उचित भिन्न, एक बताई थी आपको उचित भिन्न, इसको बोला जाता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा बच्चों दूसरा प्रकार मैंने बताया था अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बच्चों बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों? यहां तक बच्चों मैं आपको बता चुका हूं और ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने बच्चों ये बताया था कि जो नॉमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा वही आपका उचित भिन्न कहलाएगा। अगर मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं तो आप ये समझोगे कि अगर किसी भिन्न का अंश अगर हर से छोटा होगा, किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होगा उसे ही हम बच्चों उचित भिन्न कहते हैं। अगर दूसरे रूप में बच्चों अगर हम देखेंगे, अगर किसी भिन्न का अंश अगर बड़ा होगा हर से तो वो बच्चों भिन्न जो कहलाती है आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम अनुचित भिन्न के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। हम अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका जो उदाहरण होता क्या है। तो बच्चों देखेंगे जैसे मैंने भी आपको बताया कि अंश छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे दो बटे तीन, जैसे यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। यहाँ पर और देख लेंगे जैसे पाँच बटे सात, कोई भी भिन्न हो, जैसे मैंने तीन बटे चार, कोई भी भिन्न हो जैसे सात बटे नौ, ठीक है। तो और भी ले लो पाँच बटे बारह, काफ़ी भिन्न ऐसी भिन्न होगी बच्चों जिनका अंश हर से हमेशा छोटा होगा उसी को हम कहेंगे बच्चों उचित भिन्न। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे बच्चों, तो अनुचित भिन्न का उदाहरण लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखेंगे इसी को अगर उल्टा करो आप, दो तीन बटे दो हो जाएगा, ये सात बटे पाँच हो जाएगा, ये चार बटे बच्चों तीन हो जाएगा और ये नौ बटे सात हो जाएगा और ये बच्चों बारह बटे पाँच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बारह बटे, और बहुत सारी भिन्न होंगी बच्चों, इन्हीं को हम बच्चों कहते हैं अनुचित भिन्न। इन बच्चों को जो अनुचित भिन्न है बच्चों, इसको एक नाम से और जाता है, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। कैसे बच्चों? जैसे सपोज करो मैं तीन में दो का भाग दूंगा, आपने बच्चों तीन में दो का भाग दिया तो मैं कहूँगा दो एक न दो, तो यहाँ से एक घटाने पर बचेगा तो ये तो हो जाएगा बच्चों सही, इसको कहोगे एक सही, और ये एक ऊपर रख लिया जो रिमाइंडर है और जो डिवाइडर है वो यहाँ पर रख लिया, तो ये हो गया बच्चों तीन बटे दो को हम कहेंगे एक सही एक बटे दो। इसी भिन्न को बच्चों हम मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो भाग दो पाँच एक पाँच, ऊपर शेष दो बचेगा ये पाँच हो जाएगा। अगर ये बच्चों इसी तरह से अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर बच्चों इसको देखोगे जैसे तीन एकन तीन तो एक बटे तीन, इसी सात एकन सात है ना,
सात एकन सात, दो बटे सात। इसी तरह से बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, तो ऐसी भिन्नों को जिनका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है उनको अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर अनुचित भिन्न को अगर हम हल करेंगे तो वो मिश्रित फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाता है। तो बच्चों ये आपको जानकारी आराम से समझ गए होंगे कि उचित भिन्न क्या होती है वो अनुचित भिन्न क्या होती है। बच्चों अब हम लेके चलेंगे कि किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे पता करेंगे सर कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। और बच्चों हम ये जानेंगे कि दो भिन्नों के बीच में बीच वाली या मध्य वाली भिन्न कौन सी होगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी, इसके बारे में बच्चों जान लेते हैं। फिर बच्चों आपको बताएंगे कि आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे पता लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेंगे, आप देखोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आरोही अवरोही क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। तो पहले आरोही के बारे में जानते हैं, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम को बोलते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बच्चों आरोही क्रम को। आरोही क्रम को बच्चों देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ है बढ़ते हुए क्रम को, जब कोई क्रम बढ़ता हुआ जाएगा उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को, शॉर्ट में आप याद रख लोगे बढ़ते हुए क्रम को, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर बच्चों एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर दो ले लिया, दो से बड़ा तो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे पाँच है, फिर नौ है, फिर ग्यारह है, फिर इक्कीस है, फिर पच्चीस है। अगर मैं किसी भी अंकों को उल्टे सीधे क्रम को अगर मैं उसे क्रम में अरेंज कर देता हूँ तो वही, जैसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको बच्चों मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे दो दो छोटा है पाँच से, पाँच छोटा है नौ से, या ये कह सकता हूँ, ठीक है, और नौ छोटा है ग्यारह से, ग्यारह छोटा है इक्कीस से, इक्कीस छोटा है पच्चीस से, मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये जो है वही बच्चों हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। अब बच्चों जानेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। तो बच्चों अवरोही क्रम के बारे में देखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को बच्चों हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको बच्चों बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट है बच्चों, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ लिया है, अगर इसको बिल्कुल उल्टा बोला है, या मैंने बोला हुआ है बढ़ते हुए क्रम, अब मैं बोलूंगा बच्चों के घटते हुए क्रम को हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसको बिल्कुल अपोजिट कर दूं तो उसी को बच्चों कहेंगे हम अवरोही क्रम। तो हम कहेंगे बच्चों घटते हुए क्रम को, घटते हुए क्रम या नंबर, ठीक है, घटते हुए क्रम को बच्चों हम क्या कहेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहेंगे। तो बच्चों अवरोही क्रम का एग्जांपल सपोज करो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ, जैसे बच्चों मैंने यहाँ 25 ले लिया, फिर उसके बाद मैं 21 ले लिया, फिर यहाँ मैंने 11 ले लिया, फिर यहाँ 9 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 0, और आगे बच्चों में बहुत सारे पद ले सकता हूँ। इसको अगर बच्चों में दूसरी भाषा में लिखता हूँ तो जैसे 25 ग्रेटर देन या बड़ा है 21 से, ग्रेटर देन 11 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन 0, और भी आगे बच्चों पद आते जाएंगे। या मैं हिंदी में ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों 25 बड़ा है 21 से, 21 बड़ा है 11 से, 11 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, और 1 बड़ा है 0 से, इसी तरह से। अब बच्चों कहें सर 0 से बड़ा कौन हो, कौन देगी भाई, -1 ले लो, और कोई माइनस की मैंने 10 ले लिया, ये इससे 1 से भी छोटी, इसी तरह से बच्चों बहुत सारी संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से ये मैंने नंबरों में बता दिया है, अब हम बच्चों ये तो मैंने नंबरों में बता दिया, अब हम जानेंगे बच्चों के भिन्नों को हम किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बदलेंगे हम, किस तरह से उसको क्रम में रख पाएंगे, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी जल्दी से जोरदार धमाके तरीके से लाइक कर लीजिए। तो आइए बच्चों जानते हैं, कुछ भिन्नों के एग्जांपल लेते हैं। अब जानेंगे बच्चों हम कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, क्लियर। तो ये हम पता करेंगे बच्चों, ये कैसे पता करेंगे ये आपको जानना है।
तो बच्चों आपको करना क्या है, जैसे मान लो अगर आपको जैसे भिन्न दे दिए हैं 2/3, 5/7, 5/6, ठीक है, 8/7, 9/10, कोई भी बच्चों भिन्न दे दी जाए, ठीक है, समझ में आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी भिन्न लिख दी, अब आपको बच्चों पता करना है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम कैसे पता कर पाएंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों। मैं आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त दो तरीके बताऊंगा, वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन दो तरीके ऐसे बताऊंगा, आप दो तरीकों को फॉलो कर दोगे और किसी भी सवाल को आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। चाहे तो आप छोटी बता दे बताएगा पूछेगा तो बता सकते हो, चाहे बड़ी पूछेगा तो बता सकते हो, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो भी बता दोगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो भी आप आसानी से बता दोगे। तो बच्चों आप बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं आपको उसको अच्छी तरह समझना है। पहला मेरा नियम क्या है, नियम नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझना बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फोकस करना है। अगर आपने फोकस कर लिया 101% कोई भी भिन्न आसानी से ज्ञात कर लोगे। पहला काम क्या है बच्चों, पहली भिन्न का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पहला जो नियम है क्रॉस गुणन नियम, समझ में आ रहा है, कौन सा, क्रॉस डॉट गुणन नियम या क्रॉस गुणन नियम। आपने बच्चों इसका गुणा इसमें किया, ध्यान से देखना, इसका आपने इसमें किया कितना हो रहा है 14, इसका इसमें आपने किया कितना हो रहा है 15। तो अब आपको पता लग रहा होगा बच्चों के 15 बड़ा है और 14 छोटा है, समझ में आ रहा है, तो ये आपकी भिन्न हो गई, क्लियर हुआ। अब हमने छोटी भिन्न को छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, ये बड़ी है हमारे सामने, हमें पता लग गया तो ये भिन्न बड़ी हो गई। इसी तरह से 5/6 30 और 7/5 35, ये बड़ी हो गई। इसी तरह से 7/5 35, 8/6 48, ये बड़ी हो गई। इसी तरह से 10/8 80 और 7/3 63, देखिए 7/3 63 10/8 80, तो ये भिन्न बड़ी हो रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 10/8 80 80 बड़ा होता है, 7/3 63 छोटा होता है। तो आपके सामने बच्चों भिन्न जो बड़ी निकल के आ रही है, जो इस बड़ी भिन्न जो निकल के आई है वो है बच्चों आपके सामने 8/7, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा बड़ी भिन्न कौन सी है, आप सेकंडों में बता दोगे। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको नेगलेक्ट कर देना है, हटा देना है। अब बच्चों आपको देखना है, आपको ये तो पता लग गया कि इससे बड़ी ये है इससे बड़ी ये है, अब इसके बारे में पता कर ले आप, ठीक है। जैसे 10/5 50 और 6/9 54, अब ये बड़ी हो गई, अब इससे ये बड़ी हो गई। जब बड़ी ये हो गई तो अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, तो अब ये बड़ी हो गई इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी हो गई, 2/3। तो सबसे छोटी जो बच्चों भिन्न है वो छोटी आपके सामने निकल के आ गई 2/3, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर बड़ी पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8/7, अगर बच्चों आपसे छोटी पूछेगा तो आप कहोगे 2/3, क्लियर हो रहा है। अब बच्चों आपने ये देखा कि सर ये तो ठीक है, आपने बड़ी बता दी आपने छोटी बता दी, अगर बच्चों इसे आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर आपको आरोही क्रम लिखना है, ठीक है, अगर आपको आरोही क्रम में ही लगाना है तो बच्चों आप क्या करोगे, पहले सबसे छोटी लिखोगे 2/3, फिर उसके बाद में कौन सी लिखोगे, इससे बड़ी कौन सी है 5/7, फिर इससे बड़ी कौन सी है बच्चों 5/6, क्लियर आ रहा है, फिर उससे बड़ी कौन सी है 9/10, ठीक है, और फिर सबसे बड़ी कौन सी है 8/7। लो लो भाई, हमने इसको, चाहे आप इसको चिन्ह को साइन को लगा सकते हो ग्रेटर लेस देन को, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 5/7, 5/6, फिर बच्चों आपने लिख लिया, ठीक है, फिर आपने लिख लिया 9/10 और फिर आपने लिख लिया 8/7। यहाँ तक आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब बच्चों हम ये देख लेते हैं, बड़ी छोटी तो समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं ये देखूं कि सर आप ये बताइए कि अवरोही क्रम में किस तरह से बदलोगे, तो बच्चों आप इसको भी देख लो, अवरोही क्रम में हम आसानी से बदल लिख सकते हैं। जब बच्चों आप आरोही क्रम में बदल सकते हैं तो अवरोही क्रम में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिख लोगे, सबसे पहले बड़ी भिन्न को आपने लिख लिया 8/7, फिर उससे छोटी आपने लिख ली 9/10, उससे छोटी आपने 9/10 लिख ली, फिर उसके बाद उससे छोटी लिख ली 5/6, बिल्कुल उल्टा करके लिख देना है, फिर उससे छोटी लिख ली 5/7 और फिर बच्चों उससे छोटी लिख लिया आपने 2/3, समझ में आ रहा है। या आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो बच्चों, तो 8/7 9/10 5/6 5/7 2/3,
तो बच्चों ये आपने आरोही अवरोही क्रम आसानी से ज्ञात कर लिया, और मुझे लगता है बच्चों आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ गया है तो जितनी भी आपकी फ्रैक्शन दी गई है उनको आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ जिससे आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है? ये क्लियर हो गया होगा। अगला बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये तो आपने ये समझ लिया, ठीक। अब बच्चों देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये एक नियम समझ में आ गया होगा कि क्रॉस गुणा से हम आसानी से पता कर सकते हैं। नियम नंबर दूसरा बच्चों देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 9/7, यहाँ ले लिया 7/9, यहाँ ले लिया 6/5, यहाँ पर ले लिया 5/6, यहाँ पर ले लिया 4/7, ठीक है? ऐसे मैंने भिन्न ले ली, कोई भी भिन्न हो सकती है, आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, आप आसानी से बच्चों ज्ञात करोगे। देखिए अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो नियम मैंने क्रॉस गुणा नियम बता दिया, दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, और अब मैं इसको दोनों तरीके से हल करके बताऊँगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, पहला तरीका जो मैं नियम बताया था बच्चों, पहला नियम मैंने आपको ये लेके चले थे कि आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा नियम करना लगाना है, ठीक है? जैसे आपने कर लिया 9×9=81 और 7×7=49, तो 81 बड़ा होगा। फिर आपने बड़े से इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, फिर आपने 9×5=45 और 7×6=42, अभी भी ये बड़ा है। फिर आपने बच्चों देखा 9×6=54, 7×5=35, अभी भी ये बड़ा है। फिर आपने देखा 7×3=63 और 7×64, अभी भी बड़ा है। तो बच्चों आपको पता लगा कि सबसे जो बड़ी भिन्न ये है हमारे पास, क्लियर होगा, ठीक, सबसे बड़ी है ये। अब ये सबसे बड़ी है, अब हम इनमें देखेंगे बच्चों, ठीक है? इनमें हम देखेंगे जैसे 7×5=35 और 9×6=54, तो ये बड़ी हो रही है, ठीक है? 7×5=35, 9×6=54, ये बड़ी हो रही है, इसको थोड़ी देर के लिए आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 6×6=36, 5×5=25, ये बड़ी हो गई, अब इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अब 7×6=42 और 5×5=20, अभी भी बच्चों ये बड़ी होके आ रही है, तो आपने पता लगा कि 6/5 बड़ी होगी, क्लियर हुआ, ठीक है? अब हमने ये बड़ी पता कर लिया। अब हमारे सामने एक तो ये हट गई, एक ये हट गई, ठीक है? अब हमारे पास तीन फ्रैक्शन बचे हुए हैं, 1, 2, 3, ठीक है? अब हम देखेंगे बच्चों 6×7=42, 9×5=45, मतलब ये बड़ी हो रही है, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देंगे, और यहाँ पर देखा 7×5=35 और 6×6=24, ये बड़ी हो रही है। तो अब आपके सामने 5/6 निकल के आ गई, अब दो बच रही हैं आपके सामने, इसको भी हटा दीजिए, 7×7=49, 9×6=54, ये बड़ी आ रही है बच्चों, 7×7=49, 9×6=36, तो 49 ज़्यादा बड़ी, 7/9 बड़ी हो गई, और इससे छोटी बच्चों हो गई 4/9। अब बच्चों आपने देखा कि मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी बदल दिया। इसी क्रम को बच्चों हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? इसी क्रम को बच्चों हम अवरोही क्रम कहते हैं। अगर आप पहले 9/7, फिर 6/5, फिर 5/6, फिर 7/9 और फिर 4/9, जब हम घटते क्रम में लिखते जाते हैं उसी क्रम को बच्चों हम डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहते हैं। अब बच्चों आरोही क्रम में लिखना है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब अवरोही का उल्टा कर देंगे तो वो आरोही में बदल जाएगा, अगर आरोही का उल्टा कर देंगे तो अवरोही में बदल जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसको उल्टा, पहले हमने लिख दिया 4/9, फिर लिख दिया हमने 7/9, फिर लिख दिया हमने 5/6, फिर लिख दिया हमने 6/5 और फिर लिख दिया 9/7। बच्चों ये जो क्रम हो गया, इसको अगर आप लेस देन में लिखोगे तो लिखोगे 4/9, इस ये बड़ी है, इससे बड़ी है 7/9, और इससे बड़ी हो गई 5/6, इससे बड़ी हो गई 6/5 और सबसे बड़ी हो गई बच्चों 9/7। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी के लिए आपका आंसर हो जाएगा 9/7। अगर आपसे पूछा जाता है छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी के लिए बच्चों आपका जो जवाब रहेगा, छोटी के लिए बच्चों आपका जो जवाब रहेगा वो रहेगा आपका 4/9। बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये तो बच्चों वो तरीका हो गया जो अभी मैंने बताया था क्रॉस गुणन। अब बच्चों दूसरा तरीका सर कौन सा, वो तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। चलिए दूसरा तरीका भी बच्चों हम जान लेते हैं, आप उससे भी परिचित हो जाओगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे बच्चों ये दिया गया है 9/7,
ये 9/7 दे रखा है, ये 7/9, ये 6/5 है, 6/5, और ये बच्चों 5/6, ठीक है, 5/6, ये आपके सामने फ्रैक्शन दिए गए। अब बच्चों हम देखेंगे, हम सर को कैसे पता लगाएंगे वो कौन सा, तो बच्चों जो नियम, दूसरा जो नियम है वो नियम बोलते हैं बच्चों भाग नियम। कौन सा है? भाग विधि नियम, ठीक है, भाग विधि नियम। ये भी बच्चों बहुत अच्छा नियम है, भाग विधि नियम है बच्चों, बहुत ही आसान नियम है। देखिए, अगर आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपने 9 में 7 का डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 7 × 7 एक बार चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 0 लगा लेंगे पॉइंट लगा के तो 20 हो जाएगा, फिर 7 × 2 = 14, फिर 6 बचेगा, 7 × 8 = 56। आपने 2 अंक तक इसको डिवाइड कर लिए 9 को 7, ठीक है। आप चाहो तो उसको अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। चलो मैं बता भी देता हूँ, 9 में 7 का मैंने डिवाइड किया, 7 × 7, फिर यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट उठाओ, 0 बढ़ाओ, 7 × 2 = 14 बच्चों, फिर यहाँ से 6 बचेगा। इसी तरह से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों मैं 7 में भाग दूंगा, अब 7 में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो आप लिखोगे 0 पॉइंट, अब ये 70 बन गया, ठीक है। 9 × 7 = 63 कितना हो गया? 9 × 7 = 63, अब बच जाएगा 7, फिर 9 × 7 = 63, इतनी चल 0.77 तक इसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम 6 में भाग देंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5 का एक बार तो चला ही जाएगा, 5 × 5 एक बचेगा, ठीक है। अब 10 0 बढ़ा दोगे पॉइंट लगा के तो 10 हो जाएगा, 5 × 10, और एक लास्ट में 0 लगा दो, ये चला गया 1.20 तक, क्लियर हुआ। अब हम 5 में भाग देंगे, 6 का नहीं जा रहा तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाओगे, और 50 है तो 6 × 6 = 42, 8 बच जाएगा, ठीक है। फिर आप 6 का और पढ़ लें, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 8 बच जाएगा, 6 × 6 = 48, फिर आपका बच जाएगा 2, तो 6 × 6 = 18, तो इतना चला जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसमें देख लोगे, 4 में भाग दोगे तो 4 में भाग देने के लिए आप कर सकते हो, या 40 × 7 = 35, फिर 5 बच जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है, और 7 × 7 = 49। अब बच्चों आप यहाँ पर आप पता कर सकते हो, डिवाइड तो आप जानते ही हो। अब बच्चों आप यहाँ देखोगे कि सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ी आपको ये दिख रहा है क्योंकि 128 है तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बड़ी कौन सी दिख रही है? बहुत ही अच्छा तरीका बेटा, ये देखिए, ये 6/5, तो तुरंत ही पता लग रहा है, पहले ये बड़ी हो गई, फिर उससे छोटी ये हो गई 6/5, फिर उसके बाद में देखिए 83 पॉइंट वाली ले लीजिए, मतलब 5/6, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन से 83 पॉइंट के बाद में बच्चों कौन सी लोग, ये 2 हो गई, ये हो गई, अब बची ये, तो अब इसकी कौन सी है, 7/9, लो बच्चों 7/9 ले लिया, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में कौन सी ले लोगे बच्चों, उसके बाद में आपके ये बचेगी 4/7, क्लियर हुआ। अब बच्चों आपने आसानी से पता कर लिया कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो बच्चों भाग विधि नियम आप लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से मैंने आपको एक नियम बता दिया है, क्रॉस गुणा नियम, आप उसको लगाओगे आसानी से छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा, उचित भिन्न के बारे में मैंने बता दिया और अनुचित भिन्न के बारे में बता दिया, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो आपका जो सवाल, जो भिन्न पर आधारित कुछ सवाल रहे हैं उनको हम कल की वीडियो में लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो बच्चों लंबा हो जाएगा। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।